Kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I'm Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. Abhi kaun sa time hai beta aapka? Assembly time hai. Aur aaj hum log assembly time mein kya karne wale hai beta? Action words. Kya karne wale hai? Action words. तो कुछ एक्शन वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड है ना सम एक्शन वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड बट टुडे वी विल रिवाइज इट अगेन एंड वी विल लर्न टू मोर एक्शन वर्ड्स ओके बेटा आज हम लोग क्या करेंगे उन एक्शन वर्ड्स को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट टू एक्शन वर्ड्स आपको और मैं लर्न करवाऊंगी ओके बेटा शैल वी स्टार्ट ओके लेट्स स्टार्ट किड्स सबसे पहले तो बेटा एक्शन वर्ड भी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए आज की डेट आज क्या डेट है बेटा क्या डेट है आज 24 क्या डेट है 24 और कौन सा मंथ चल रहा है नवंबर कौन सा मंथ चल रहा है नवंबर और ईयर कौन सा चल रहा है आपका 2020 ओके बेटा और आज डे क्या है डे इज ट्यूसडे What is the day today? Today is Tuesday. What is the day today? Today is Tuesday. Tuesday. Okay? Tuesday. Aaj Tuesday hai. Clear beta? Ab action word mein beta, aapka sabse pehla jo action word hai, wo hai pointing. Aur beta, jaise jaise main bolungi na action words, aapko saath ki saath picture dikhai degi. Us picture mein wo action karta hua aapko nazar aayega. जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ओके बेटा पॉइंटिंग पॉइंट करना किसी को पॉइंटिंग इट्स पॉइंटिंग ठीक है इट्स पॉइंटिंग अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो मैंने ओनली उस स्टूडेंट को पॉइंट किया जो मुझे जिसको मैं बुला रही हूं यहां पर इतने सारे बच्चे बैठे हैं ठीक है मैंने उसी बच्चे को पॉइंट किया जिसको मुझे बुलाना है ओके इट्स पॉइंटिंग देखो अब यहां पर क्या है बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं है ना पर मैंने किस पर फिंगर रखी अपनी इस पर पॉइंटिंग मैंने इसको पॉइंट किया इसको क्या किया पॉइंट इट्स पॉइंटिंग पॉइंटिंग क्लियर पॉइंटिंग किया किसी भी चीज को वो डस्टर पड़ा है वहां पर वो डस्टर है वो देखो बोला इट्स पॉइंटिंग क्लियर बेटा नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है बेटा पुलिंग पुल पुलिंग इट्स पुलिंग पुलिंग मीन्स किसी को पुल करना खींचना अपनी ओर ओके पुलिंग पुलिंग मीन्स अपनी ओर किसी को खींचना ठीक है इट्स पुलिंग 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 किसी को अपनी ओर पुल करना ओके ये ड्रॉअर है मैंने इसको ऐसे अपनी ओर पुल कर लिया क्लियर बेटा ओके पुल करना किसी को अपनी ओर खींचना क्लियर नेक्स्ट इज पॉलिशिंग पॉलिशिंग इट्स पॉलिशिंग किसी भी चीज को पॉलिश करना हम लोग शूज पॉलिश करते हैं या कई बार क्या होता है हमारा फर्नीचर गंदा होता है तो हम फर्नीचर को पॉलिश करवाते हैं पॉलिशिंग मतलब किसी चीज में चमक आ जाना उसको पॉलिश करके जो गंदी सी चीज होती है उसमें पॉलिश करके उसको अच्छा बना देना चमक आ जाना ठीक है बेटा पॉलिशिंग हम शूज पॉलिश करते हैं ना ऐसे ऐसे करके तो वो शूज हमारे गंदे होते हैं डर्टी होते हैं तो उस पर पॉलिश कर देते हैं तो वो अच्छे अच्छे बन जाते हैं ठीक है किसी चीज में चमक लाना पॉलिशिंग क्लियर नेक्स्ट सेक्शन वर्ड है बेटा हमारा है वॉचिंग इट्स वॉचिंग क्या है ये इट्स वॉचिंग वॉच करना किसी भी चीज को देखना अब कोई चीज कोई टीवी में कुछ भी आता है कोई सीरियल आता है कोई कार्टून आता है तो आप उसको वॉच कर रहे हो देख रहे हो कोई भी चीज को वॉच करना मोबाइल में कुछ भी आप देखते हो गेम्स खेलते हो कार्टून देखते हो कुछ भी जो भी कुछ आता है मोबाइल में तो आप उसको देख रहे हो वॉच कर रहे हो ठीक है इट्स वॉचिंग वॉच मतलब किसी चीज को देखना जो चीज आपको देखनी है लाइक अगर आपको मूवी देखनी है आपको कार्टून देखने हैं तो उस चीज को आप वॉच करोगे वॉच मतलब देखना वॉचिंग क्लियर नेक्स्ट सेक्शन वर्ड है बेटा हमारा है राइडिंग इट्स राइडिंग राइडिंग राइडिंग
राइडिंग मतलब किसी भी चीज के ऊपर बैठकर राइड करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। राइडिंग बहुत तरीकों से होती है, एनिमल्स पर भी हम लोग राइड कर सकते हैं, बाइक पर भी हम लोग राइड कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने हॉर्स पर बैठे हैं तो हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हॉर्स हमें यहाँ से वहां लेके जा रहा है। हम लोग बाइक पर बैठे हैं और कोई बाइक चला रहा है, हम पीछे बैठे हैं, तो मीन्स हम लोग बाइक राइडिंग कर रहे हैं। ओके, राइडिंग दो तरीके से होती है, एक एनिमल राइडिंग और एक व्हीकल राइडिंग। ओके, राइडिंग मतलब किसी भी चीज के ऊपर बैठकर राइड करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, इट्स राइडिंग। राइडिंग क्लियर। नेक्स्ट इज टीचिंग। टीचिंग इट्स टीचिंग, टीच करना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैं आपको टीच कर रही हूँ। टीचर का वर्क क्या होता है, उसको टीच करना बच्चे को, उसको पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग मतलब पढ़ाना। आई एम टीचिंग एट प्रेजेंट, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम अ टीचर, टीचर हूँ तो मैं आपको टीच कर रही हूँ, टीच मतलब पढ़ाना, ठीक है। नाउ आई एम टीचिंग, टीचिंग इट्स टीचिंग, क्लियर। नेक्स्ट इज बेंडिंग, बेंड होना, बेंड मतलब झुकना। अभी मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ, नाउ आई एम बेंडिंग, ये देखो मैं झुक गई ना, मैं बेंड हो गई, बेंड मतलब झुकना, क्लियर, इट्स बेंडिंग, बेंड मतलब झुकना, क्लियर। बेंडिंग का मीन्स होता है झुकना, ठीक है, इट्स बेंडिंग, क्लियर। नेक्स्ट इज सिंगिंग, इट्स सिंगिंग। सिंगिंग मतलब कोई भी सॉन्ग सिंग करना, ठीक है, आप कोई भी सॉन्ग गा रहे हो या आप कोई राइम है उसको आप सिंग कर रहे हो, गा रहे हो, है ना। तो सिंगिंग हम कैसे करते हैं, हमारे हैंड में एक माइक होता है, हम माइक पे कुछ भी बोलते हैं, जो हम कोई गाना बोल रहे हैं तो हम सिंग कर रहे हैं। ओके, इट्स सिंगिंग। सिंगिंग का मतलब गाना गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग गाना, और सिंगिंग गाना मतलब वो गाना जो आप अपने मुंह से गा रहे हो, आप सिंग कर रहे हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो बेटा वो वर्ड्स थे, वी हैव ऑलरेडी लर्न, बट टुडे वी विल लर्न टू मोर वर्ड्स, स्ट्रेचिंग एंड स्माइलिंग, क्लियर। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच इट्स स्ट्रेचिंग। अभी देखो मैंने ऐसे अपने हैंड्स ऊपर किए, ओ इट्स स्ट्रेचिंग, ऐसे करके, ऐसे करके हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो अपनी बॉडी को ना ऐसे करके खोलते हैं, है ना, जैसे हमारी बॉडी वैसे बड़ा जैसे में आलस सा भरा हुआ होता है ना, स्ट्रेच करते हैं ऐसे करके, या ऐसे भी कर लेते हैं, है ना। कई बार हम लोग अपनी लेग्स ओपन कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रेचिंग, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, अपनी बॉडी को खोलना। ओके, इट्स स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करना मतलब अपनी बॉडी को खोलना, लाइक हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे से करते हैं ना, इट्स स्ट्रेचिंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेटा वो है स्माइलिंग, इट्स स्माइलिंग, स्माइल करना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार कोई सामने से आता है, जस्ट उसको ऐसे एक छोटी सी स्माइल देते हैं, ऐसे मेरे माउथ से कोई आवाज आई है, हंसने की नहीं ना, हंसना जब आवाज आती है आपके माउथ से तो वो लाफिंग होता है, बट अगर आप एक अपने फेस से एक एक्सप्रेशन दे रहे हो ऐसे वाला, उसको बोलते हैं बेटा स्माइल, ऐसे। ओके, इट्स स्माइलिंग, क्लियर। कई बार हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो कैमरामैन बोलता है ना स्माइल करो, तो हम कैसे करते हैं, है ना, इट्स स्माइलिंग, इट्स स्माइलिंग, इट्स स्माइलिंग। तो आज हम लोग इतने ही एक्शन वर्ड्स लर्न करेंगे, आपने अपने घर पे अच्छे से इसको लर्न करना। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।